कुदरत की ये वसी दुनिया में जानवर मुख्तलिफ खूबियाँ रखते हैं जिनसे हम कीमती असबाक सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टूडेंट्स इन जानवरों से किस तरह जिंदगी के अहम असूल सीखकर कामयाबी की राह हमवार कर सकते हैं। करेज एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम लायन। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, लेकिन वो क्या चीज़ है जो शेर को एक हकीकी रहनुमा बनाती है? शेर को क्यों हौसले और ताकत की अलामत जाना जाता है? क्या इसलिए कि वो सबसे ताकतवर है? नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी की वजह से। कुतबा को इस जानवर से सीखना चाहिए कि किस तरह बहादुर और पुरअज़म रहकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। इंसान जब किसी मुश्किल का शिकार होता है तो वो हौसला हार कर जल्द ही गिव अप कर देता है। शेर की बहादुरी और हिम्मत को जहन में रखते हुए तुलबा स्ट्रॉन्ग बनकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने खौफ और चैलेंजेस को फुल कॉन्फिडेंस से फेस कर सकते हैं। सो लेसन वन इज बी अ लीडर विद करेज। चींटी अगरचे एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन उनका मिलकर और ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना किस कदर एफिशिएंट मैनर है। वो हमेशा मेहनत करती हैं और कभी हार नहीं मानती। ये हमें टीमवर्क की ताकत और अहमियत सिखाती हैं। इस तरह जब तुलबा अपने दोस्तों से मिलकर काम करेंगे और मेहनत से लगे रहेंगे तो आप भी हैरत अंगेज नतीजे हासिल कर सकते हैं। चींटियां किस तरह सख्त मेहनत से मिलकर अपने कॉलोनीज बनाने में अपनी एफर्ट्स लगा देती हैं और फूड इकट्ठा करती हैं। तुलबा उनसे सख्त मेहनत और मुश्किल वक्त के लिए कुछ सेव करने की अहमियत को सीख सकते हैं। सो लेसन टू इज मेहनत कामयाबी की कुंजी है। फोकस फ्रॉम ईगल। बच्चों, ईगल हमें फोकस और विजन की अहमियत सिखाता है। वो अपनी तेज नजर के साथ मीलों दूर से अपने शिकार को किस तरह देख लेता है। आप इसे सीखें कि किस तरह आपने अपने गोल्स पर नजर जमाए रखनी है। आप इससे कंसिस्टेंसी सीखें कि किस तरह पढ़ाई पर ध्यान देना है बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। मुस्तकिल मजाजी और कंसिस्टेंसी से अपनी स्टडी को तवज्जो देनी है। सो आवर लेसन 3 इज फोकस ऑन योर गोल्स। कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस फ्रॉम डॉल्फिन। बच्चों, डॉल्फिन अपनी जहानत और मौसर बातचीत के लिए मशहूर है। यह हमें सिखाती है कि मजबूत रिश्ते बनाने और खुद को वाज़े तौर पर जाहिर करने की कितनी अहमियत है। ये तुलबा को सिखाती है कि दूसरों से कम्युनिकेट करने से कितने नए मौके पैदा हो सकते हैं। सो आवर लेसन 4 इज कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। पेशेंस फ्रॉम टर्टल। बच्चों, कछुआ अगरचे आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन वो हमेशा मंजिल पर पहुँचता है। इससे हमें सबक मिलता है कि कामयाबी तेज भागने से नहीं बल्कि मुस्तकिल मजाजी और सब्र में है। अगर आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो तो आपने कछुए की तरह मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम आगे बढ़ना है। सो आवर लेसन 5 इज पेशेंस एंड पर्सीवरेंस विद द रेस। टीम वर्क फ्रॉम हनीबी। बच्चों, शहद की मक्खियां इकट्ठा होकर और मिलकर छत्ता बनाती हैं और शहद पैदा करती हैं। तुलबा के लिए इसमें सबक है कि मिलकर काम करने में आसानी रहती है और जल्द कम्प्लीट भी हो जाता है। तुलबा अगर मिलकर अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज को करेंगे तो अच्छे और हौसला मंद नतीजे बरामद होंगे। सो आवर लेसन 6 इज टीम वर्क इज बेटर देन सेपरेट। लॉयल्टी फ्रॉम डॉग। बच्चों, डॉग्स अपने मालिक से वफादारी के नाम से जाने जाते हैं। वो हर वक्त हर लम्हा अपने मालिक की निगरानी करते हैं। बच्चों, आप डॉग से सीख सकते हो कि वफादारी और दोस्ती की क्या अहमियत है। आपके लिए सबक है कि जिंदगी में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। सो आवर लेसन 7 इज लॉयल्टी इज बोर्न टू गुड रिलेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बटरफ्लाई। तितली एक नाजुक सी और खूबसूरत मखलूक है। आप जानते हैं कि वो किस तरह कैटरपिलर से एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए एक तितली का रूप धारती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कदर टाइम, सब्र और वक्त की जरूरत होती है। बट इन द एंड द रिजल्ट इज वर्थ। सो आवर लेसन 8 इज Great achievements takes great patience and great time. Adaptability from octopus. बच्चों, octopus एक ऐसी fantastic creature है कि वो अपनी shape और color को माहौल और जरूरत के मुताबिक डाल लेता है। तुलबा के लिए इसमें सीखने की बात है कि कैसे मौके और हालात के मुताबिक अपने आप को हालात के मुताबिक डालना है और कामयाबी हासिल करनी है। So, our lesson 9 is adapt yourself according to the conditions for your success. बच्चों, शेर की बहादुरी से लेकर कछुए के सबर तक कुदरत हमें असबाक से भरपूर दुनिया फराहम करती है। तो तुलबा आए, सबक सीख लें, इनको अपनी जिंदगी में लागू कर लें ताकि आप भी मजबूत और पावरफुल बन सकें। मौसीकी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जाएं। बच्चों, याद रखें, दुनिया हमेशा हमें सिखा रही है,
क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक ट्रस्ट कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।